86 दिन के बाद आज प्रधानमंत्री का मुंह खुला। उन्होंने चुप्पी तोड़ी मणिपुर वायलेंस पे। 4 तारीख के वीडियो जो कल महिलाओं के साथ जो वहशियाना हरकतें हो रही हैं, जो राक्षस टाइप के लोग भी नहीं करते हैं, खुला अनफॉर्चुनेट है। 86 दिन के बाद खुला मुंह खुला, लेकिन राजनीति की 140 करोड़ जनता का प्रेशर से मुंह खुला। हम लोगों ने आज जो पीसी की और जो पूरा मणिपुर आज रो रो के चिल्ला चिल्ला के ये महिलाओं का प्रेशर खुला, लेकिन अफसोस है प्रधानमंत्री ने मुंह खोला और फिर राजनीति की। मणिपुर को छोड़ छत्तीसगढ़ पहुंच गए, राजस्थान पहुंच गए। हम प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि राजनीति को दरकिनार कीजिए। कल करेंगे राजनीति, परसों करेंगे राजनीति। आप तो वैसे भी 365 दिन राजनीति करते हैं। अभी हम आपसे ये पूछ रहे हैं, 4 तारीख का वीडियो 77 दिन के बाद उजागर होता है, वहाँ इंटरनेट बंद है। आपकी बाल महिला मंत्री कहती है कि कल सीएम से बात हो गई, कार्रवाई हो रही है, एफआईआर हो गई, लेकिन अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। आज सीजीआई को भी कमेंट करना पड़ गया। क्या इस शर्म से प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा? अफसोस हो रहा है, शर्म हो रही है, इतनी विभत्स घटना हुई है। आज प्रधानमंत्री की बातें सुन के उन महिलाओं को ये नहीं लगा, उन महिलाओं को ऐसा नहीं लगा होगा कि हम प्रधानमंत्री की बेटी है। अगर प्रधानमंत्री ये कहते, कोई भी स्टेट हो, कोई भी महिला हो, हमारे देश की माँ है, बेटी है, जो हुआ है उसके लिए हम दंडित करते हैं और इमीडिएट एक्शन लेंगे और अपने मुख्यमंत्री को इमीडिएट रिजाइन दिलवाते हैं, तो लगता कि उन महिलाओं के साथ थोड़ा तो न्याय हुआ है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से एक महिलाओं को मांस का टुकड़ा समझ के डीमन की तरह उनके शरीर को नोचने की कोशिश की गई है, आपकी ये स्टेटमेंट राजनीति से भरी हुई लग रही है। एक माँ बेटी के लिए उनके साथ दर्द बांटने के लिए नहीं लग रही है। मुझे अफसोस हो रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि कम से कम ये भाषण आपका सदन के भीतर ना हो। आपकी जो विवेकशीलता है, शालीनता है, वो महिलाओं के लिए हो, बच्चियों के लिए हो। और आप माने, इट्स नॉट ऑल इज वेल। हमारी महिलाएं इस देश में, जो मणिपुर में हो रहा है वो ऑल इज वेल नहीं है। और आप मानिए कि आपकी सरकार फेलियर है वहां के हिंसा को खत्म करने के लिए, बंद करने के लिए। प्रधानमंत्री जी आप क्यों नहीं है बोले कि अभी 4 तारीख का एक वीडियो वायरल हुआ है? क्या ऐसे और वीडियो हैं? क्या ऐसे और वीडियो हो सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री ये सवाल नहीं कर सकते थे? अगर देश का प्रधानमंत्री सख्त लब्जों में ये कहता कि इसमें राजनीति नहीं करूंगा, मणिपुर की जो घटना है मैं उन महिलाओं के साथ हूँ, तो हम लोगों का भी सीना गर्व से फूला होता। लेकिन अनफॉर्चुनेट है प्रधानमंत्री साहब, आज भी आपने बच्चों के नाम पर सिर्फ राजनीति की है। शायद हम लोग भूल गए कि आप भाजपा के प्रधानमंत्री पहले हैं, क्योंकि जो जंतर मंतर में हुआ, जो सरेआम आपका जो विक्टिम है, दुष्कर्मी है, जो सरेआम घूम रहा है और चिढ़ा रहा है विक्टिम को, हमें आपसे यही उम्मीद रखनी चाहिए थी। धन्यवाद।